आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैचलर स्पेशल आलू बैंगन की बहुत ही जल्दी बन जाने वाली और बहुत ही कम मसालों से बनने वाली सब्जी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि आप बैचलर स्पेशल रेसिपी डालिए, तो इसलिए मैं लाई हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले हमें लेना है आलू और बैंगन, और इसको ऐसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेना है। उसके बाद लेंगे मिर्च और लहसुन, जिसको हम इस तरीके से क्रस कर लेंगे, या तो आप कूट लीजिए या फिर क्रस कर लीजिए। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो काट के भी डाल सकते हैं। उसके बाद लेंगे एक कुकर, उसमें डालेंगे सरसों का तेल। थोड़ा सा जब सरसों का तेल गर्म हो जाएगा ना, तो डालेंगे थोड़ा सा मेथी और हींग, क्योंकि बैंगन से गैस बनता है, तो हींग और मेथी ज़रूर डालें, पेट में दर्द नहीं होता उससे। उसके बाद जब मेथी चटकने लगेगा ना, तो हम कुटा हुआ मिर्च और लहसुन इसमें डाल देंगे। इस सब्ज़ी में बहुत ही कम मसाले पड़ते हैं, लेकिन टेस्टी बहुत ज़्यादा बनता है। तो आधा मिनट तक हम मिर्च और लहसुन को फ्राई करेंगे, बहुत नहीं फ्राई करना है वरना ये जल जाएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे आलू और बैंगन। बैंगन मैंने यहाँ पे 6 लिया है और आलू 3 लिया है। थोड़ा सा इसमें बैंगन का मात्रा ज़्यादा रखें, आप जितने लोग हैं उसके हिसाब से सब्ज़ी बनाएं। तो 1 मिनट लगा है इसको फ्राई करने में, इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करेंगे। जैसे ही बैंगन थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, हम यहाँ पे मसाला ऐड कर देंगे। तो 1 मिनट तक आलू बैंगन को फ्राई करना है। अब हम डालेंगे इसमें मसाला। तो सबसे पहले हम डाल देंगे नमक। मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत कम मसाला पड़ता है, तो सिर्फ इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर 1 चम्मच, छोटा से 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, और 1/2 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। अब इसके अलावा हमें इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं करना है। थोड़ा सा मैंने नींबू का इसमें रस डाला है, आप चाहे तो टमाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टमाटर अवेलेबल है तो आप 1 टमाटर काट के डाल दें, अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा नींबू डाल दें। उसके बाद इस मसाले को भी हमें 1 मिनट तक फ्राई करना है आलू बैंगन के साथ। ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा मसाला डाला ही नहीं जिसको बहुत देर तक फ्राई किया जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी बहुत हिसाब से डालेंगे, इतना ही पानी डालना है हमें कि आलू और बैंगन अच्छे से पानी के अंदर डीप हो जाए। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे वरना पतला। देखिए इतना ही पानी मैंने डाला है कि आलू बैंगन अच्छे से ढक गया है पानी में। अभी हमें कुकर को बंद कर देना है और सिर्फ 2 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर। बहुत ज़्यादा सीटी नहीं लगाना है वरना बैंगन बहुत जल्दी पक जाता है। 2 सीटी के बाद गैस को बंद कर देंगे और कुकर को तभी खोलेंगे जब वो अपने आप से प्रेशर निकल जाएगा। अभी देखिए मैंने कुकर खोला है और हमारी सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही पतली ग्रेवी वाली सब्जी बनती है ये, लेकिन चावल पराठे या रोटी किसी के साथ भी आप इसको खाएंगे ना, बहुत ही टेस्टी लगता है। थोड़ा सा इसको और अच्छा बनाने के लिए इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता काट के ढेर सारा, इससे स्वाद दोगुना हो जाता है। अब इसको अच्छा से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सब्जी को चलाएँगे नहीं वरना सब्जी टूट जाएगा। बहुत हल्का सा मिक्स करेंगे। तो ये जो मैंने सब्जी बनाया ना, ये 6 लोगों के लिए बनाया है। तो जो लड़के हॉस्टल में रहते हैं ना, वो 1 या 2 रहते हैं, तो आप 2 या 3 बैंगन का सिर्फ बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये, और 2 मिनट में बनके तैयार हो जाएगी आपकी सब्जी। तो आप इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी ये बैचलर रेसिपी कैसी लगी। और भी आपको रेसिपी चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए।